गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम ऑफिस एंड आई एम दीपिका. कैसे हैं आप सब लोग. सो गाइस आज के वीडियो में अगेन मैं उसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज आपको मेरे चैनल पे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो आज का प्रोडक्ट है हमारा बायोटिक का ये हनी जेल फेस वॉश एंड इसका मैं आपको रिव्यू एंड डेमो दोनों करके दूंगी. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप. आप सभी स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हो. ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई वट एवर योर स्किन टाइप इज आप सभी से आराम से यूज कर सकते हो. पीछे की तरफ चलते हैं. ये एकदम हाइड्रेटिंग एंड फोमिंग एंड सोप फ्री फेस वॉश है और ये आपके फेस से जो भी मेकअप एंड इम्प्योरिटीज होगी उसको बिल्कुल निकाल देगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा आपके फेस को एंड स्किन को जो है वो सॉफ्ट करेगा एंड आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करेगा. सो देखिए पहले वाले जो मैंने फेस वॉशेस के रिव्यू किए हैं उनमें भी मैंने बहुत ही क्लियरली कहा है कि कोई भी फेस वॉश आपको ओवरनाइट ग्लो नहीं दे सकता, ओवरनाइट आपका कॉम्प्लेक्शन वाइट नहीं कर सकता. आपको उसे रेगुलरली यूज करना पड़ेगा अगर आप उसका यू नो रिजल्ट अच्छा चाहते हैं या आपका कॉम्प्लेक्शन जो है उसमें थोड़ा सा चेंज देखना चाहते हैं. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ एक ट्यूब यूज करेंगे, एक पूरा फेस वॉश आपने यूज कर लिया डे नाइट तो आप गोरे हो जाएंगे, ये कहना बिल्कुल गलत है. हाँ लेकिन अगर आप ग्रेजुअली इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे फॉर 2 to 3 months और प्रोडक्ट सेम रखेंगे आपके कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा. बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे दोनों टाइम यूज करो, मॉर्निंग में भी यूज करो नाइट में भी यूज करो. दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज अ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी. सो ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि बायोटिक के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी कॉस्मेटिक ऐड नहीं किया गया होता है, सारी की सारी चीजें ऑर्गेनिक होती है. बायोटिक की अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है. तो इसमें है बन हल्दी, अर्जुन बार्क, नीम बार्क, रीठा फ्रूट पल्प, अनानास फ्रूट, मधु एंड प्यूरिफाइड वाटर. सो सिर्फ इतने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इस अच्छे खासे जेल को बनाया गया है आपके फेस को क्लीन करने के लिए. उसके बाद ऑर्गेनिकली प्योर है ये हमको पता ही है एंड प्रिजर्वेटिव फ्री है. अगेन व्हाट इज प्रिजर्वेटिव फ्री, जो भी कॉस्मेटिक या कोई भी चीज़ को हम जो लॉन्ग लाइफ करते हैं या जो शेल्फ लाइफ देते हैं उसे शेल्फ लाइफ देने के लिए हमें उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं जिससे वो प्रोडक्ट खराब ना हो, लेकिन इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते हैं. बायोटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड होते हैं, पूरी अच्छी तरीके से उनकी टेस्ट की गई होती है तभी वो आपको कहते हैं कि हर स्किन टाइप वाले आप से आराम से यूज कर सकते हो. नो एनिमल टेस्टिंग, ये किसी एनिमल पर भी टेस्टेड नहीं किए गए होते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट होते हैं. सो इस ट्यूब में आपको मिलेगा 50 ml का प्रोडक्ट एंड इसकी प्राइस है 65 rupees. आई थिंक 50 rupees में मैंने इसे परचेज किया है एंड मैंने परचेज किया है नाइका से. इसकी शेल्फ लाइफ जो आपको मिलेगी वो 3 years की मिलेगी, 3 साल तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हो एंड अदरवाइज पीछे की साइड पे आपको इसके सारे जहां पर ये बना है मैन्युफैक्चरिंग प्लेस वगैरह सब मिल जाएगी. बाकी सारी डिटेल्स यहां पर ट्यूब पे लिखी थी, कॉस्ट यहां पर लिखी हुई थी. सो इस तरीके की ट्यूब है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ट्यूब है. पीछे की तरफ आपको ग्रीन कलर का कैप दिखेगा एंड यहाँ से जो है आप अपना जो फेस वॉश है वो ओपन एंड क्लोज कर सकते हो. एंड फ्रेग्रेंस इज टू गुड गाइज, मतलब बायोटिक्स के ऑब्वियसली सारे फ्रेग्रेंस, सारे प्रोडक्ट की जो फ्रेग्रेंस है मैं पागल हूँ सारे फ्रेग्रेंस के पीछे. आपको पता ही होगा मुझे सारे प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है. सो चलिए मैं इसका आपको टेक्स्चर थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इसका टेक्स्चर किस तरीके का है. तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर जेल जैसा इसका टेक्सचर है एंड मैं इतनी देर तक इसे पकड़ के रख रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ नीचे आ रहा है. बिल्कुल रनी या पतला सा फेस वॉश नहीं है, अच्छा एंड गाढ़ा फेस वॉश है. ओह माय गॉड दिस इज सो गुड गाइज, अ फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी अमेजिंग. एंड बायोटिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप फेस वॉश की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा फोमिंग नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा सा फोमिंग जो होता है वो कम होता है बिकॉज उसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किए गए होते हैं. सो चलिए बातें बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं इसके डेमो की तरफ.
रिव्यू एंड डेमो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर।